सोलन के सबसे पुराने कोऑपरेटिव बैंकों में से एक वाघाट बैंक है। इस बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं और ये बैंक बंद होने वाला है, ऐसी कई अफवाहें सोलन में उड़ रही हैं, जिसके चलते वाघाट बैंक के ग्राहक काफी परेशान हैं और उन्होंने बैंक से पैसा भी निकालना शुरू कर दिया है। अब इस अटकलों पर विराम लगाने के लिए बैंक के अधिकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बैंक में तैनात प्रशासक गौरव चौहान ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बैंक की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने बैंक के ग्राहकों को भरोसा जताते हुए बताया कि बैंक में सभी खाताधारकों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोविड काल में बैंक के बड़े एनपीए को तीव्र गति से सुधारा जा रहा है। बैंक के एनपीए दर करीब 20% तक पहुंच गई है, लेकिन इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है जो दिन रात लोन को एकत्रित करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से बैंक ने अपने करीब 110 करोड़ के एनपीए में से 48 करोड़ की रिकवरी 3 माह के भीतर कर ली है। इसलिए ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनका धन बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है। गौरव चौहान ने कहा कि जनता को आज वे ये बताना चाहते हैं कि फ्रॉड बैंक ने किसी के साथ नहीं किया है, बल्कि कुछ लोगों ने बैंक की आंखों में धूल झोंककर बैंक के साथ फ्रॉड किया है। बैंक प्रबंधन ने फर्जी तरीके से करीब 84 लाख का ऋण लेने वाले शिमला के 2 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उनकी संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बैंक का कोई कर्मचारी इस फ्रॉड में शामिल है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक में प्रदेशवासियों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें किसी भी अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बैंक की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों में अस्थिरता दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक जल्द ही चुनाव करवाकर शेयरधारकों को डिविडेंड भी देने जा रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फ्रॉड हुआ है अभी, इसमें ये एक्चुअली बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है और इसमें थोड़ा सा जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है या जहाँ से ये गलत रिपोर्ट आई है उसमें इंक्वायरी जांच की जाएगी, और जो भी इसमें अगर लगता है कि इस विभाग से और इस पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड कोई कर्मचारी इन्वॉल्व है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो अभी प्रोसीजर्स है बैंक के वो पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं और पहले भी फॉलो किए गए हैं। अगर ऐसा जो है किया गया है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, और अभी एक इंक्वायरी सबमिट भी हुई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो हमारा एनपीए है अराउंड 100 करोड़ के आसपास जो है अभी, मतलब जो लोनिंग का रहा है वो उतना अमाउंट है। और एग्जैक्ट मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बैंक जो है एक बहुत पुराना बैंक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड बैंक है, और अभी जो बैंक की स्थिति है बहुत अच्छी है। बैंक के पास जो है काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है, सफिशिएंट रिजर्व है, सफिशिएंट लिक्विडिटी है। तो लोगों से यही अनुरोध है कि आप अफवाहों में ना आएं, और थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं अफवाहों, अगर आपको कुछ लगता है तो आप डायरेक्ट बैंक से बात करें, आपके लिए जो है बैंक हमेशा यहाँ। देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि 31 मार्च 2021 से लेकर आज तक इस क्वार्टर में 48 करोड़ का लोन जो है लोगों से ले लिया गया है, और इसमें एक स्पेशल जो है रिकवरी सेल बनाया गया है जो इसमें जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो है लोगों से बहुत स्पीड अप वे में जो है लोगों से लोन लिया, जो है रिकवरी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं।